नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार जोर शोर से हो रहा है। बीजेपी ने यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि उत्तराखंड की चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि सीट से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार गरमाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चंपावत पहुंचे और चंपावत के टनकपुर में सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम धामी के लिए रोड शो किया। बीते कुछ दिन पहले बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र के गांव बारकपुर गढ़ी में तालाब किनारे के युवक की अजली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अजली लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई थी। हाल ही में पुलिस की जांच पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और इसी कड़ी में पुलिस ने अजली लाश मिलने के मामले में मृतक युवक के सगे भाई को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी सगे भाई अशोक ने अपने छोटे भाई की किसी मामूली बात को लेकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। को एक नवयुवक 20-22 साल के बच्चे का शव मिला था, अजली अवस्था में, अज्ञात था। पुलिस ने पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई, बाद में उसकी पहचान वहीं का पंकज नाम के व्यक्ति से हुआ। अनावरण हुआ तो मालूम हुआ कि उसका सगा बड़ा भाई अशोक ने उसको चोट पहुंचाया, जिसमें ब्लेड से चोट पहुँचाना उसने कबूल किया, फिर पत्तियों से जला दिया सीना छिपाने। गौंडा के धनौली बिजलापुरवा गांव के बाहर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे पुलिस, फॉरेंसिक और ड्रग्स की टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। तो वहीं परिजनों के मुताबिक प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या होने की तहरीर दी गई है। महामारी स्वच्छता के अवसर पर गोरखपुर में जिला महिला अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैनिटरी नैपकिन वितरण हुआ। इसके साथ ही कार्यक्रम में आई सभी बालिकाओं को महामारी के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एन के श्रीवास्तव, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जय कुमार, वरिष्ठ परामर्शदाता महिला एवं प्रसूत रोग डॉक्टर नीना त्रिपाठी, डॉक्टर अर्चना चौधरी, सिद्धेश्वरी सिंह, अमरनाथ जायसवाल, डॉक्टर कमलेश रूपकला, मेट्रेन सी के वर्मा, डॉक्टर सुप्रिया सिंह यहाँ पर उपस्थित रही। यहाँ काफ़ी किशोरियाँ एकत्रित हुई थी। हम लोगों ने उनको महावारी से संबंधित क्या स्वच्छता बरतनी है, महावारी में क्या दिक्कतें आती हैं, वो सब समझाया। छोटे कम उम्र की किशोरियों में महावारी जब शुरू होता है तो कभी एक एक दो दो महीने के अंतर पे आता है, कभी 10-10 दिनों के अंतर पे आता है। अभी दुनिया भर से कोरोना की काली घटा का साया पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था कि मंकी पॉक्स जैसी नई बीमारी ने चिंताओं में इजाफा कर दिया। कई देशों में इस मर्ज के केस में बढ़ोतरी हो रही है। इसके खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। यूपी सरकार ने विदेश से बाहर आए लोगों पर नजर रखने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर यूपी हुकूमत ने संबंधित विभागों को आदेश दे दिए हैं। मेरठ के मेडिकल थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं का आना मना है। पोस्टर मेरठ के मेडिकल थाने रक्त चस्पाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में जमकर हंगामा किया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए एक पोस्टर भी लहराया, जिसके बाद विवादित बैनर लगाने वालों को अब पुलिस ने वीडियोस फुटेज के आधार पर चिन्हित कर लिया और मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। भोपाल में मेडिकल थाना क्षेत्र से एक पोस्टर वायरल हुआ है, जिसके संबंध में ये है कि आज लगभग 2 बजे के आसपास एक पारिवारिक विवाद था, देवर भाभी का विवाद था दुकान पे कब्जा कराने को लेके। उसमें कुछ समझौते की बात चल रही थी, इसी बीच एक पक्ष के लोगों के फेवर में कुछ असामाजिक तत्व आ गए और उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया। साथ ही जो थाने की पुलिस थी, समझाने का प्रयास किया गया। मुरादाबाद अस्पताल में एक बच्चे की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में डॉक्टर्स के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी में एक व्यापारी के साथ सिपाहियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति बीती देर रात अपने भाई को लाने के लिए निकला था। उसी वक्त छतरी चौराहे पर मौजूदा कौशलिन सिपाही और अन्य सिपाहियों ने युवक के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, साथ ही साथ लाठी डंडे भी चला दिए, जिसके बाद व्यापारियों ने थाने में जमकर हंगामा काटा।
साजापुर में एक होटल पर खाना खाने गए व्यक्ति पर मामूली कहासुनी को लेकर होटल मालिक ने धारदार चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद जब चीख पुकार मच गई तो होटल में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने होटल के मालिक को हिरासत में लिया। साथ ही पीड़ित व्यक्ति का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवक कल्याण विभाग द्वारा संचालित संगठन युवक मंगल दल की सदर ब्लॉक के लोहरा गांव में रजिस्टर्ड जमीन पर हुए कब्जे की शिकायत पर जिला प्रशासन ने जमीन को खाली करा दिया। बता दें कि पूरा मामला जनपद सोनभद्र के कर्मा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा लोहरा का है, जहां एक व्यक्ति के द्वारा युवक मंगल दल की जमीन पर बोर करवाया गया था, जिसकी सूचना पर क्षेत्रीय युवाओं ने डायरेक्ट सुबारा के द्वारा बोर का काम रुकवा दिया गया। वहीं जमीन के कब्जा मुक्त होने से युवक मंगल दल की टीम के साथ क्षेत्रीय युवाओं में खुशी की लहर है। कब्जा कर लिया गया था, उसकी ज़मीन की पैमाइश की गई है और हमने वहाँ स्थलीय निरीक्षण किया था कुछ दिन पहले और एडीएम अपर जिलाधिकारी महोदय से मिलकर प्रार्थना किया था कि उस ज़मीन को खाली कराया जाए, जिस पर जिला प्रशासन ने बड़ा सहयोग किया और कार्रवाई करते हुए आज लोहरा में जो युवक मंगल दल के नाम से खेल मैदान रजिस्टर्ड था उसको खाली करा दिया गया है। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों से अवैध धन उगाही को लेकर सपा के नेताओं ने मेडिकल कॉलेज परिसर में अवैध उगाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन भी सौंप दिया गया, जिससे मरीजों ने इलाज और ऑपरेशन के नाम पर अवैध धन उगाही बंद करने की मांग की गई है। कन्नौज के नौगे स्थित जिला जेल में बंदियों के नैतिक और चरित्रिक उत्थान के लिए सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ है, जिसमें डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम एसपी ने जेल अस्पताल रसोईघर सहित बारकों का भी निरीक्षण किया। कन्नौज के मेहंदी घाट के पास अपने मवेशी लेकर गंगा नदी पार कर रहा युवक गहरे पानी में जाने से डूब गया। बता दें कि गोताखोरों की टीम के लंबे प्रयास के बावजूद वो युवक के शव को बरामद नहीं कर पाए। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी भी तलाश में जुटी हुई है। रेलवे पेंशनर समाज के कार्यालय पर मासिक मिलन बैठक आयोजित की गई, जहां संस्था के संस्थापक आरसे शर्मा को उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण समिति सहारनपुर का सदस्य बनाए जाने पर हर्ष व्यक्त करते हुए मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर आरसे शर्मा ने धन्यवाद दिया है और साथ ही साथ कहा कि सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक के एल अरोरा ने मुझे इस समिति का सदस्य नामित करा के मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। समाज के सदस्यों ने अपनी ही संस्था का स्वागत इसलिए किया है कि इस संस्था का संस्थापक होने के नाते ही मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की भरण पोषण एवं कल्याण समिति सहारनपुर है उसका सदस्य नामित किया गया। उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण समिति में के अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं, इसकी सचिव समाज कल्याण अधिकारी होती हैं और इसमें सदस्य एसएसपी महोदय, सीएमओ महोदय, एडीएम, एसडीएम और तहसील के सलाहकार होते हैं। इसके साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों के संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, जिसमें भाजपा का जो शहर में रक्तदान शिविर तो लगते हुए आपने काफी देखे होंगे, लेकिन रक्त जांच शिविर काफी कम संख्या में लगते हैं। इसलिए जयदेव शर्मा फाउंडेशन ने 29 मई से 29 जून के बीच 25 शिविर रक्त जांच के लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रत्येक शिविर में 400 से 500 लोगों की रक्त जांच निःशुल्क रूप से कराई जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन कोलेस्ट्रॉल की जाँच शामिल है। इसके अलावा जरूरतमंद और बीमार व्यक्ति रक्त जाँच कराने के लिए अपने क्षेत्र के पार्षद जनप्रतिनिधि से संपर्क भी कर सकते हैं। मुरादाबाद में डॉक्टर की अहवानियत का मामला उस वक्त सामने आया जब वो पैसे की चाहत में मृत बच्चे का इलाज करते हुए परिजनों से रकम वसूलता रहा। तो वही परिजनों ने जब बच्चे को देखने की इच्छा जताई तो डॉक्टर के इस खेल से पर्दा उठ गया। बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर मृत बच्चे का इलाज केवल पैसों के लालच में करता रहा। वही जब परिजनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।